शुरू कर रहे हैं बड़ी खबर का दिल्ली से, जहां शाहीन बाग प्रदर्शन के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रदर्शनकारियों को हटाने की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीएए और एनआरसी के खिलाफ 57 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है और शाहीन बाग प्रदर्शन के खिलाफ अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों को हटाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और इस अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीएए और एनआरसी के खिलाफ 57 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है और अब इसमें जो अर्जी डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर आज सुनवाई की जाएगी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शाहीन बाग प्रदर्शन के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। प्रदर्शनकारियों को हटाने की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 57 दिनों से प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सीएए और एनआरसी के खिलाफ 57 दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी और इन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई थी, जिस अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। शाहीन बाग प्रदर्शन के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। प्रदर्शनकारियों की हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सीएए और एनआरसी के खिलाफ 57 दिनों से जारी है धरना प्रदर्शन। संवाददाता मुकेश मंडल ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मुकेश, शाहीन बाग प्रदर्शन के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और क्या कुछ डिटेल आपके पास? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से शाहीन बाग का मामला आप देख सकते हैं, करीब 2 महीने करीब हो गया है, तो ऐसे में जो वहाँ के लोग हैं जिनको आने जाने में असुविधा होती है, इसके मद्देनजर एक याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। कहा गया था कि जल्द से जल्द ये शाहीन बाग वाला जो मुद्दा है, जो लोग धरने पर बैठे हैं उनको उठाया जाए। हालांकि चुनाव के समय में भी आपने देखा, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं, उस दिन भी वो लोग धरने पर ही बैठे थे। ऐसे में चुनौती है सरकार के लिए भी कि जल्द से जल्द उसे हटाया जाए और यही वजह की आज सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पे सुनवाई है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग धरने पर बैठे हैं उनको जल्द से जल्द हटाया जाए, रास्ता क्लियर करवाया जाए ताकि किसी को असुविधा ना हो। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। माना ही जा रहा है 12:30 बजे तक ये सुनवाई होगी और देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद क्या रास्ता निकलता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि हम जो धरने पर बैठे हैं लोग, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मांगे उठा रहे हैं, हम संविधान के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हमारा हक है प्रदर्शन करना। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट में देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कितना गंभीर होता है, क्या सुनवाई होती है, किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। हालांकि ये माना जा रहा है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जो लोग धरने पर बैठे हैं उसको उठाया जा सकता है। जी, और ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पर फिर क्या सुनवाई होगी। मुकेश, आप हमारे साथ बने रहिए, ये बड़ी खबर लगातार हम अपने दर्शकों को बता दें। प्रदर्शनकारियों के हटाने की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीएए और एनआरसी के खिलाफ 57 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है।